Hello students, I welcome you all to our Springdale Senior Secondary School online learning platform. Today we will be dealing class 10 chapter number 9 agriculture in India. In this video lecture we will get to know about introduction, different forms of agriculture in India on the basis of season, basic form of use of agriculture principle in India, major food crops of India, major pulses of India, major commercial cash crop, contribution of agriculture in Indian economy. India is an agriculture country. 54.6% of total population of India depend directly on agriculture. We get 17.4% of total domestic production from agriculture. Agriculture in India is practiced to earn livelihood, in which farmer grow food crop for personal use in his land by using traditional method. He sell the surplus and buy other things for his daily use. आप सभी को पता है कि एक एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है. प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है? वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो नेचुरल प्रोडक्ट को फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट करती है. तो हमारा क्वेश्चन अराइजेज ये होता है, क्या आप, मैं या और कोई एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है क्या? तो कितने तो बोलेंगे हाँ और कितने बोलेंगे नहीं, पर ये नहीं है. हम सब जितने लोग हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है फूड ग्रेन की. फूड ग्रेन खाना सभी खाते हैं, वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से. हम जाके लाते हैं क्या? नहीं, वो किसी प्रोसेस के थ्रू हमारे पास आता है. तो एवरीबडी ऑफ अस डिपेंडिंग इन एग्रीकल्चर, हम सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है. फूड ग्रेन ट्रांसपोर्टेशन होके मार्केट में आता है, सोल्ड आउट होता है, तो उससे हम लोगों को क्या मिलते हैं? वो ग्रेन्स. एज एग्रीकल्चर एंड आर डिपेंडेंस ओवर ऑफ इंडस्ट्री फूड ग्रेन, कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्रीज के ऊपर भी ये सब चीज़ है और इन्हीं के थ्रू हमें ये जो फूड ग्रेन्स वगैरह मिलते हैं. तो कहने का मतलब है कि कोई डायरेक्टली और कोई इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे तो सभी के सभी डिपेंड करते हैं. कोई इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो वो डायरेक्टली है, कोई इससे प्रोडक्ट्स ले रहा है तो वो इनडायरेक्टली है. फूड ग्रेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर. 55% ऑफ आर पॉपुलेशन इज बीइंग एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, लास्ट सेक्टर ऑफ ऑक्यूपेशन. क्योंकि देखो 55% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है, तो एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशन देने का भी काम करता है. तो ऐसे बहुत से चीज़ है जिसको हम ऑक्यूपेशन या जो हम एग्रीकल्चर से करते हैं. डिफरेंट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑन बेसिस ऑफ सीजन, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इन थ्री फॉर्म्स. फर्स्ट खारिफ, सेकेंड वन राबी, थर्ड वन जैद क्रॉप. फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट खारिफ क्रॉप. क्रॉप विच आर सोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्ट इन अक्टूबर नवंबर, लाइक राइस, मेज, मिलेट, ग्राउंडनट, मूंग, उड़द, शुगर केन, सोयाबीन एक्सेट्रा. Crops depend on monsoon rain. These days crops are also sown with irrigation. जो खारिफ क्रॉप है वो जो गर्मी का सीज़न है उसमें उसके जो सीड है उसको सोन किया जाता है, और जो विंटर सीज़न आता है अक्टूबर नवंबर में उसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है. और उसको जो खारिफ क्रॉप होती है जनरली वो मॉनसून के ऊपर बेस होती है, पर कभी जब रेनफॉल नहीं होती तो इरिगेशन के थ्रू उसे सोल कर दिया जाता है. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट राबी क्रॉप. क्रॉप विच आर सोन इन अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्ट इन मार्च अप्रैल. अब इधर क्या है कि ये जो क्रॉप्स है वो अक्टूबर नवंबर में ग्रो की जाती है और उसको हार्वेस्ट मार्च अप्रैल में करते हैं. ये जो क्रॉप्स हैं वो है वीट, ग्राम,
बार्ले, ऑयल सीड, अलसी, मस्टर्ड, क्यूमिन सीड, कोरिएंडर, एंड मोस्ट ऑफ दीज क्रॉप्स आर ग्रोन विद इरीगेशन, और ये जो क्रॉप्स है वो इरीगेशन के थ्रू ही ग्रो हो जाती है. थर्ड वन इज एड क्रॉप्स, इट इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स विच आर सोन इन फेब्रुअरी अप्रैल एंड हार्वेस्ट इन जून जुलाई. ये कुछ ग्रीन वेजिटेबल होती है और फॉडर क्रॉप्स जो जायद क्रॉप के अंदर आती है, इसको फेब्रुअरी और अप्रैल में सोन किया जाता है, जून जुलाई में हार्वेस्ट कर लिया जाता है. एग्जाम्पल वाटरमेलन, गॉर्ड, कुकुम्बर एक्सेट्रा. सेकेंड इज़ बेसिक फॉर्म ऑफ यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर प्रिंसिपल इन इंडिया. फर्स्ट फूड क्रॉप्स, क्रॉप विच आर यूज फॉर ईटिंग और एज फूड लाइक राइस, वीट, मेज, ज्वार, मिलेट, बार्ले एंड पल्सेस. ये जो फूड क्रॉप होता है होती है इसलिए उसको खाने के लिए ही यूज़ किया जाता है और उसके एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. Afterwards, commercial crops, crop which are used for commercial purposes. Commercial purposes like वो थोड़ी लार्ज एरिया में प्रोड्यूस होती है और वो एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है कि क्रॉप्स को लार्ज एरिया में प्रोड्यूस करके फिर उसे सेल आउट करते हैं. ये कमर्शियल क्रॉप्स रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराती है इंडस्ट्री को, इसीलिए इन्हें कैश क्रॉप्स भी बोला जाता है. एग्जाम्पल शुगर केन, कॉटन, जूट, टबैको एंड ऑयल सीड. Afterwards, plantation crop. These crops are grow in large plant and are used as drink for industrial purposes like tea, rubber, spices, etc. ये जो crops grow करती है ना, ये plantation, बहुत ज़्यादा plantation होता है. Plantation बहुत ज़्यादा होता है, आपने beverages भी देखे होंगे, तो वो भी इसी का part है. इससे जो इंडस्ट्रीज है उसमें काफ़ी प्रोडक्शन वगैरह होता है, लाइक टी, रबर, स्पाइसेस एक्सेट्रा. आफ्टरवर्ड गार्डन क्रॉप, इट इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल ही ग्रो की जाते हैं. फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट वीट, इट इज़ अ मेजर रबी क्रॉप ऑफ नॉर्दर्न इंडिया विद सोन इन द टेम्परेट रीजन. ये टेम्परेट रीजन में ही ग्रो की जाती है. इसमें जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो 10 to 25 होता है और जो रेनफॉल होती है वो बिटवीन 20 to 75 होता है. बेसिकली जो वीट है वो लाइट क्ले सॉइल में ही ग्रो करती है और उसका प्रोडक्शन उसी में अच्छा होता है. वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर पंजाब 70%, 21% हरियाणा, 6.17 उत्तर प्रदेश, 32.68%. अदर स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और बहुत सारे ये स्टेट्स हैं जिनका परसेंटेज ये है. राजस्थान, वीट इज़ ग्रोन इन गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा. इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड अमेरिका. इंडिया थर्ड नंबर पे है एज अ पोजीशन चाइना और अमेरिका के बाद वीट प्रोड्यूस करने के लिए. राइस, राइस इज़ वन ऑफ द मेजर फूड क्रॉप इन इंडिया, सो ड्यूरिंग रेनी सीजन दैट इज़ व्हाई इट इज़ अ मेजर खारिफ क्रॉप. जैसा कि हम सभी को पता है जो राइस है वो रेनी सीजन में ही अच्छे से ग्रो कर पाते हैं. इट्स ग्रो इन ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेचर इज़ बिटवीन 19 and 27 एंड द रेनफॉल बिटवीन 75 and 200 सेंटीमीटर. क्ले एंड एलुवियल सॉइल. राइस को ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 75 to 200 और ये बेसिकली क्ले सॉइल में ज़्यादा इजीली ग्रो करते हैं. इन इंडिया इज़ ग्रोन फॉर दी होल ईयर अकॉर्डिंग टू सीजन. ये सीजन्स के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं पर पूरे होल ओवर एंड ही ग्रो करते हैं. 90% ऑफ राइस इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, 15.22% आंध्र प्रदेश, 14.3% उत्तर प्रदेश, 11.78% ओडिशा, 9.2% बिहार, 8% तमिलनाडु, 8.2%
एंड अदर स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश एंड ऑल. तो ये सारे परसेंटेज हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, वहाँ पे राइस प्रोड्यूस होते हैं. उसके अलावा जो राजस्थान है वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी इन स्मॉल क्वांटिटी. एंड इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन राइस प्रोडक्शन, और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जो राइस को प्रोड्यूस करती है. थर्ड वन इज़ मेज. इट इज़ अ फूड क्रॉप एज वेल एज कमर्शियल क्रॉप. ये जो मेज है ये फूड क्रॉप भी है और कमर्शियल क्रॉप भी है. ये जो क्रॉप है ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराती है इंडस्ट्रीज़ को. इट इज़ ऑल्सो यूज एज फॉडर एंड फूड. ये दोनों वर्क में यूज़ आती है, फॉडर्स भी और फूड भी. मेज नीड टेम्परेचर बिटवीन 12 and 35 एंड रेनफॉल बिटवीन 50 and 100 centimeter. ये 12 to 35 टेम्परेचर में इजीली ग्रो कर जाती है, और इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है रेनफॉल का, या रेनफॉल की जो कितने अमाउंट में होनी चाहिए वो होती है 50 to 100 centimeter. 80% of maize in country is grown in Andhra Pradesh, 19.3% Karnataka, 16.78% Rajasthan, 10.34% Uttar Pradesh, 10% Gujarat, 7% Madhya Pradesh and Punjab. Rajasthan is grown in Kota, Bundi, Baran, Jhalawar, Udaipur, Dungarpur, Banswara, Chittor, Ajmer, Ganganagar and Hanumangarh. ये particular कुछ जगह है राजस्थान में जहाँ पर मेज का production होता है. Millet. This crop is grown both for food and fodder. It is grown in warm and dry climate because June and October it is a kharif crop. It is sown in temperature between 25 to 35 and rainfall between 40 and 60 centimeter in light soil. जो millets है वो 40 to 60 centimeter के temperature में light soil में easily grow कर जाती है. सारे टाइप ऑफ सॉइल में ग्रो कर जाती है, ऐसे पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. राजस्थान 42%, महाराष्ट्र 20%, गुजरात 12.5%, उत्तर प्रदेश 11% एंड इन सम अदर स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड पंजाब. बेसिकली राजस्थान में ये ज़्यादा होती है. इन राजस्थान जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर एंड जालौर. इंडिया इज़ एट फर्स्ट प्लेस इन मिलेट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड. और इंडिया का जो मिलेट प्रोडक्शन का जो नंबर है वो फर्स्ट है, वहीं से इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. वी आर डिस्कसिंग अबाउट मेजर पल्सेस क्रॉप्स ऑफ इंडिया. Indian population is vegetarian. Pulses are used as the source of protein. It is to be maintain the fertility of soil. Pulses in India are grown both in kharif and rabi season. Example, peanut, gram, lentil, etc. Grown in rabi season. कहने का मतलब ये है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन है, तो उन्हें पल्सेस की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है, और पल्सेस एज अ प्रोटीन का काम करती है. और पल्सेस ग्रो करने से क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो भी मेंटेन रहती है. जो पल्सेस है वो दोनों ही क्या करते हैं, सीजन में ग्रो कर सकती है खारिफ और रबी के अंदर. ग्राम पल्स इज 1/3 ऑफ टोटल पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया. 1/3 प्रोडक्शन ग्राम का ही होता है इंडिया में. ग्राम इज ग्रोन इन पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. राजस्थान के कुछ जगह पे ये ग्राम होती है वो है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर. अरहर is the second major pulse crop, is sown with jowar, millet and mustard. ग्राम के बाद अरहर का भी जो नंबर है वो सेकंड है, और वो ज्वार, मिलेट और मस्टर्ड के साथ ग्रो हो जाती है. ये महाराष्ट्र में फर्स्ट,
उत्तर प्रदेश सेकेंड, कर्नाटका थर्ड और मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश में अरहर हमें मिल जाती है। मूंग एंड उड़द आर ग्रोन विद ज्वार मिलेट एंड कॉटन इन पेनिनसुलर पार्ट, जो पेनिनसुलर पार्ट होता है वहीं पे मूंग और उड़द ज़्यादा ग्रो करती है। राजस्थान इज़ द फर्स्ट प्लेस इन मूंग एंड बाजरा प्रोडक्शन इन इंडिया, जो मूंग और बाजरा का प्रोडक्शन राजस्थान में ज़्यादा होता है इंडिया में। मूंग इज़ ग्रोन इन सेमी एरिड डेजर्ट, डेजर्ट एरिया में बेसिकली आपको मूंग ग्रो किए हुए मिल जाएंगे, और राजस्थान में जालौर, नागौर, जोधपुर एंड पाली। बात करते हैं उड़द की। उड़द इज सोन इन हड़ौदी एरिया ऑफ कोट, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़, उदयपुर एंड भीलवाड़ा इन मेवाड़। ये कुछ ऐसी जगह है राजस्थान में जहाँ पे उड़द इजीली ग्रो की जाती है। लेंटिल पल्सेस इज ग्रोन विद राबी क्रॉप, राबी क्रॉप के साथ ग्रो की जाती है। वो बेसिकली ईस्टर्न राजस्थान में होती है, लाइक अलवर, भरतपुर, धौलपुर। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट मेजर कमर्शियल और कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया। कैश क्रॉप इज इंडिया आर ग्रोन इन 1/4 part ऑफ दी टोटल एग्रीकल्चर लैंड। अब आप सभी को पता है कि कमर्शियल वर्ड ही बिजनेस से रिलेटेड है, तो बेसिकली ये जो क्रॉप्स होती है ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाई जाती है। ये खाली इनकम सोर्स ही नहीं जनरेट करती है फार्मर्स के लिए, बल्कि रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज़ को, सच एज शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड, जूट एंड टबैको आर द मेजर कमर्शियल क्रॉप। द फर्स्ट वन वी आर डिस्कसिंग अबाउट शुगर केन। शुगर केन इज़ द प्लांट ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड डिसेंडेंट ऑफ बैम्बू फैमिली। बेसिकली आपने शुगर केन देखा होगा तो बहुत ही स्ट्रेट जाता है और वो एक बैम्बू फैमिली से ही बिलोंग करता है। बैम्बू तो हॉलो होता है पर शुगर केन हॉलो नहीं होता है, और इसकी जो प्लेस है वो भी फर्स्ट है शुगर केन की कमर्शियल क्रॉप के अंदर। इंडिया इज़ एट द फर्स्ट प्लेस इन शुगर केन प्रोडक्शन, और जो इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है शुगर केन का। प्रोड्यूसिंग एरिया इन द वर्ल्ड, 50% शुगर केन ऑफ वर्ल्ड इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन। अब 50% जो शुगर केन है वो इंडिया के ट्रॉपिकल रीजन में ही फाइंड आउट होता है। उसके लिए उसको 15-40 टेम्परेचर चाहिए होता है और रेनफॉल रिक्वायरमेंट होती है 100-200 centimeters की। क्ले मॉइस्ट सॉइल के अंदर ये इजीली ग्रो हो सकते हैं। और नॉर्थ इंडिया हैज़ लार्ज शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया, बट साउथ इंडिया प्रोड्यूस मोस्ट शुगर केन। शुगर नॉर्थ इंडिया प्रोड्यूस कर देती है, बस जो साउथ इंडियन होते हैं वो शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ह्यूमिड रीजन होता है, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो वहाँ पे ये इजीली ग्रो कर जाते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात आर द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इन राजस्थान, उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ एंड बूंदी सारे कुछ एरिया है राजस्थान में जहाँ शुगर केन प्रोड्यूस होता है। शुगर केन इज़ यूज टू मेक शुगर, जैगरी एंड अल्कोहल। शुगर केन कमर्शियल क्रॉप इसीलिए है क्योंकि ये शुगर बनाता है, जैगरी गुड़ बनाता है, और कई बार अल्कोहल में भी इसका कुछ कंपोनेंट यूज़ किया जाता है। कॉटन इज़ ग्रोन ऑन 6.7% पार्ट ऑफ टोटल एग्रीकल्चर लैंड। कॉटन इन इंडिया इज़ ग्रोन इन खरीफ सीजन, इट नीड टेम्परेचर बिटवीन 20-35 एंड रेनफॉल बिटवीन 80-150 centimeters। डीप ब्लैक सॉइल विद लाइम एंड पोटैश इज़ कंसीडर्ड सूटेबल फॉर कॉटन। अब कहने का मतलब ये है कि 6.7% जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे कॉटन का कल्टिवेशन होता है, और ये बेसिकली खारिफ सीज़न में ही ग्रो की जाती है, और टेम्परेचर रहता है 20-35 के बीच में। रेनफॉल इनको चाहिए कॉटन कल्टीवेशन को 80-150 centimeters, और ब्लैक सॉइल रिक्वायर्ड होती है कॉटन को ग्रो करने के लिए। 3 varieties ऑफ कॉटन आर ग्रोन इन इंडिया। फर्स्ट वन, कॉटन विथ लॉन्ग एंड थिन फाइबर
which is 50% of total production and it's grown in Punjab, Haryana, Rajasthan. जो लॉन्ग और थिन फाइबर की जो कॉटन है वो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में अवेलेबल होती है. सेकेंड वन, कॉटन विथ मीडियम फाइबर, इट्स 40% ऑफ प्रोडक्शन एंड इज़ ग्रोन इन गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश. जो मीडियम फाइबर वाली होती है वो ग्रो करती है इन कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में. थर्ड वन इज़ कॉटन विथ शॉर्ट फाइबर, 10% of production and is grown in small quantity in all the states of the country. जिसमें short fiber होते हैं वो हर एक जगह पर available हो जाती है. गुजरात कम first, महाराष्ट्र second, आंध्र प्रदेश third, the production of cotton. In Rajasthan, cotton is grown in गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़. थर्ड वन इज ऑयल सीड, 10% ऑयल सीड आर ग्रोन इन इंडिया बोथ इन राबी एंड खारिफ सीजन. द मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम, सनफ्लावर, अलसी, सोयाबीन एक्सेट्रा. तो ग्राउंडनट और मस्टर्ड में से 80% ऑफ ऑयल सीड का प्रोडक्शन होता है. ये ऑयल सीड दोनों ही सीजन में ग्रो की जाती है. इन एरिया में ये ऑयल सीड अवेलेबल होती है. फोर्थ वन इज ग्राउंडनट, इट इज़ द क्रॉप ऑफ ब्राज़ील. 30% ऑफ ग्राउंडनट प्रोडक्शन इज डन इन इंडिया. 40% ऑफ ऑयल सीड क्रॉप इज फ्रॉम ग्राउंडनट. 85% production of groundnut in the country is in the form in Gujarat first, Andhra Pradesh second, Tamil Nadu third, Maharashtra fourth, Karnataka state. In Rajasthan, groundnut is grown in Chittor, Savai Madhopur, Bhilwara, Jaipur, Ganganagar, Bikaner, Hanumangarh and in irrigated area of Rajasthan canal. और जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह ज़्यादा होती है वहाँ ग्राउंडनट इजीली अवेलेबल हो जाती है राजस्थान एरिया में. मस्टर्ड, 70% ऑफ मस्टर्ड प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज़ डन इन इंडिया. इंडिया में मस्टर्ड का 70% प्रोडक्शन किया जाता है और 35% ऑफ टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन ऑफ कंट्री इज़ टेकन फ्रॉम मस्टर्ड. जो ऑयल सीड का 35% प्रोडक्शन है वो मस्टर्ड से ही किया जाता है. 85% ऑफ मस्टर्ड इज़ ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में 85% मस्टर्ड ग्रो होती है और राजस्थान इज़ द फर्स्ट प्लेस इन मस्टर्ड प्रोडक्शन एंड इट्स प्रोड्यूसेस 41%. राजस्थान का जो परसेंटेज है वो 41 है. उत्तर प्रदेश सेकेंड, मध्य प्रदेश थर्ड, गुजरात फोर्थ, पंजाब एंड हरियाणा, राजस्थान. It grow in Alwar, Bharatpur, Jaipur, Hanumangarh, Ganganagar, Savai Madhopur, Bhilwara, Bikaner, etc. Other oil seed crops, castor is used in lubricating machines. Machine को कुछ lubrication करने के लिए, soap manufacture, leather tanning. 65% is grown in Gujarat, 25% is grown in राजस्थान. ये एक परसेंटेज है जहाँ पे ये जो दूसरे ऑयल सीड क्रॉप्स हैं वो ग्रो किए जाते हैं. 20% सोयाबीन ऑफ द कंट्री इज़ प्रोड्यूस इन मध्य प्रदेश, 20% इन महाराष्ट्र एंड 10% इन राजस्थान. ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकनॉमी की किस तरीके से एग्रीकल्चर ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है इंडियन इकनॉमी के अंदर वो हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एग्रीकल्चर डायरेक्टली प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 56.6% पॉपुलेशन इन इंडिया. इट ऑल्सो प्रोवाइड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू एग्रीकल्चर बेस्ड ऑक्यूपेशन लाइक एनिमल हस्बेंड्री, फिश फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री. प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री. जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे उन्हें तो डायरेक्ट वे में
एग्रीकल्चर से वर्क मिल जाता था। अब जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं थे उनको इनडायरेक्ट तरीके से मिलता था, लाइक एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू, फिशिंग, फार्मिंग, जो एग्रीकल्चर से गो थ्रू होके चीज़ें गई है उससे लोगों को ऑक्यूपेशन मिल जाता था। और बहुत सारी इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था। सेकेंड इज़ कंट्रीब्यूशन इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। देयर हैज़ बीन ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स एक्टिविटी इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन इंडिया। पहले जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करता था, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता था तो कंट्री की जो GDP है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होने लग गया। धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी चेंज होने लग गई, सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्शरी सेक्टर में लोग जॉब करने लग गए, इन्वॉल्व हो गए, तब द रीजन ऑफ दिस डाउनफॉल वॉज रैपिड इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन सेकेंडरी एंड टर्शरी। यही रीजन था कि उनका जब डाउनफॉल आया, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में लोगों ने ज़्यादा वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। थर्ड वन इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन इन फॉरन ट्रेड। इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन 2.07% इन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ द 10th लार्जेस्ट प्रोडक्शन। इट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट लाइक शुगर, ऑयल सीड, टबैको, स्पाइसेस, फ्रेश फ्रूट एंड बासमती राइस। इट ऑल्सो इंक्लूड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक जूट, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। जो एग्रीकल्चर सेक्टर थे जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते थे वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता था एक्सपोर्ट करने का। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, स्पाइसेस वगैरह हुए, वो हमारी कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट किए जाते थे। फोर्थ वन, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, स्पाइस इंडस्ट्री प्रोवाइड रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर। इन सारी इंडस्ट्रियों को एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया करता था। फिफ्थ वन, मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। 60% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिसाइड्स इन रूरल एरिया विच इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। जैसे आप लोगों को सभी को पता है कि पहले बहुत सारे लोग रूरल एरिया में ही रहते थे, और वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड थे, उनका जो मेन वर्क था वो था फार्मिंग। तो फार्मिंग करने के लिए उन्हें कुछ इक्विपमेंट, कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। वो क्या चीज़ थी? नीड्स इक्विपमेंट लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, कल्टीवेशंस इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। तो ये ना उस मार्केट से जाके पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर, कुछ ऐसी चीज़ें जाके ख़रीदते थे जिससे मार्केट का जो लेवल है वो भी ग्रेट होता था। और कहीं ना कहीं इसी तरीके से एग्रीकल्चर और वहाँ के लोग मार्केट में भी अपना कंट्रीब्यूशन करते थे। इंडियन एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकनॉमी। पहले जो इंडिया का एग्रीकल्चर था वो बैकबोन था इंडिया की इकनॉमी में। क्यों? क्योंकि जितना प्रोडक्शन इंडियन एग्रीकल्चर से होता था और किसी सेक्टर से नहीं होता था। इट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो लोगों को इनकम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोगों के एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, और लोगों का जो स्टाइल था वो भी इस एग्रीकल्चर से ही अच्छा था। नाउ डे बाय डे इट्स रिड्यूसिंग, धीरे धीरे ये कम हो गया है क्योंकि सेक्टर्स भी डिफरेंट डिफरेंट हो गए हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू डेवलप एग्रीकल्चर वी हैव टू चेंज द एंशियंट वे ऑफ इट्स प्रोडक्शन। अगर हमें डेवलपमेंट लाना चाहते हैं एग्रीकल्चर में तो वो जो एंशियंट टाइप एग्रीकल्चर करते हैं उसे हमें बंद करना होगा और न्यू टेक्नोलॉजीज़ और मेथड्स लाने होंगे जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर करने का प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो। अगर वो इम्प्रूव होगा तो हम जो इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, वो उसे हम क्या कर देंगे, बिल्कुल टोटली रिमूव कर देंगे। के थ्रू जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनमें डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा और जो उनकी कंडीशन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा।